तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वामिनी, और हमारे साथ हमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिखाने के लिए है हमारी इंस्ट्रक्टर रीचा, अमेजिंग इंस्ट्रक्टर। उन्होंने हमें 4 दिनों में काफी कुछ अच्छे से सिखाया है, नो काफी तरह के स्टिचेस, एम्ब्रॉयडरी, वो सब उन्होंने हमें सिखाया है। और आज वो हमें सिखाएंगे रिबन एम्ब्रॉयडरी। तो मुझे पता है आप सब लोग काफी एक्साइटेड है, क्योंकि आप हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो काफी अच्छा भी लगता है हमें देखने के लिए, मुझे देखने के लिए, एंड यू नो जब रिचा भी देखती तो उन्हें भी काफी अच्छा लगता है ये सब। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लाइक, और जैसे हम जानते हैं आज हमारा लास्ट डे है, तो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको गाइडलाइंस बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहला ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके लिए यू विल गेट अ लिंक इन द ग्रुप आफ्टर द सेशन। आपको सेशन के बाद ग्रुप में लिंक दिया जाएगा। प्लीज वो जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल कीजिए। प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली, राइट योर करेक्ट डिटेल्स, एंड आज रात तक आपको आपके सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यू विल रिसीव ऑल योर सर्टिफिकेट्स इन योर मेल्स। तो अपने जो मेल्स है वो ठीक से चेक कीजिएगा, पुराने जो क्लटर हुए हुए मेल्स हो थोड़े डिलीट कीजिए, ताकि आपको हमारा सर्टिफिकेट का मेल दिख जाए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक योर स्पैम फोल्डर। अपना जो स्पैम फोल्डर होता है ईमेल्स में, वो भी चेक करना मत भूलेगा, क्योंकि कई बार हो जाता है गलती से वहाँ मेल ट्रांसफर हो गया हो, तो आप प्लीज वहाँ पे भी चेक कीजिए। सेकेंड है रिकॉर्डिंग्स। मैं जानती हूँ आप सब लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो 2 दिन से है, यू ऑल आर हैविंग दिस क्वेश्चन सिंस लास्ट 2 डेज, लाइक व्हाट अबाउट द रिकॉर्डिंग्स, हाउ कैन वी कीप इट फॉर एवर। सो गाइज प्लीज डू नॉट वरी, आप अपनी जो रिकॉर्डिंग्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो 5वें दिन का सेशन है, आपको अभी आज के बाद मतलब 5वें दिन की रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स सबके ग्रुप पे ही रहेंगी। बस 1 महीने के अंदर आप उसे डाउनलोड करके रखिए, ताकि यू विल हैव इट फॉर एवर, मतलब वो आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि 1 महीने के बाद ये जो लिंक्स है वो ऑनलाइन से चली जाएंगी, वो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज डाउनलोड योर वीडियोज एंड कीप देम विथ यू फॉर फर्दर रेफरेंस। और बाकी तो मैं इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में दूंगी, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन से आपको लोड नहीं करना चाहती। तो ये तो मेन इन्फॉर्मेशन थी रिकॉर्डिंग की और सर्टिफिकेट की, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है रिबिन्स, रिबिन्स की एम्ब्रॉयडरी हमें आज टीचर सिखाएंगी। तो सबसे पहले वो हमें रिबिन वर्क को इंट्रोड्यूस कराएंगी, वो जैसे हमें रोज अच्छे से दिखाती कि उन्होंने कहाँ कहाँ रिबिन वर्क किया है, या उनके पास कौन सा रिबिन वर्क के यू नो फैब्रिक्स है, कोई साड़ी हो कुर्ता हो, वो सब वो हमें अच्छे से दिखाएंगी। फिर आज क्या क्या यूज होने वाला है हमारे आज के सेशन में, क्या टूल्स है, व्हाट टूल्स वी आर यूजिंग इन टुडेज सेशन, व्हाट मटेरियल्स वी आर यूजिंग, शी शो देम, वो ये सारी मटेरियल्स और टूल्स हमें दिखाएंगी। उसके बाद विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर, रिचा फिर हमें प्रोसीजर सिखाएंगी रिबिन से कहाँ कैसे स्टिच करना है। शी विल शो द प्रॉपर एंड डिटेल प्रोसीजर ऑफ द रिबिन वर्क। एंड आफ्टर दैट और बिटवीन द सेशन व्हेन रीचा इज फ्री, हम आपके सारे जो क्वेरीज है क्वेश्चंस है वो लेंगे। वी विल टेक ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन व्हेन रीचा इज फ्री, और एज यूजुअल वी विल टेक इट इन द एंड। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी काम कर रहे हो तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि हम भी देख सके कितना ब्यूटिफुली आप जो है वो सब यू नो वीव कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो रीचा और मैं हम देख सके और बाकी सब भी देख सके। तो यस आई नो यू आर ऑल सेट फॉर टुडेज क्लास, सो विदाउट एनी डीले आई विल यू नो कम टेक द आई आस्क रिचा टू टेक ओवर। रिचा लेट्स Yes. स्टार्ट। So, good afternoon, everyone. And today, as this is the fifth day of our embroidery, so today we'll be doing ribbon work. And like yesterday, the session just got ended very badly from my side. The host was proper because of the technical issue of my mobile, so I couldn't join back. So I'm really sorry for that. I hope it doesn't happen today because I'm doing it with another gadget. All right, Okay, so teacher. today we'll be doing ribbon work, and it's a very old art in the sense it started in the 17th century. And in the beginning, it was done on the coats, men's coats and women's gowns and all. But now you can see it's all over. You can see it on the cushion covers, on the mats, on the handkerchiefs, on baby frocks, like the yoke of the baby frocks, or even in the ghere, joska. Like there also you see even in the sleeves and collars and all. Even in kurtas, we see in our Indian tradition, the sari is a very important role. So we see in the saris as well, some ribbon work is there. So today we'll be learning how to do the ribbon work
एंड इन ऑर्डर टू डू द रिबन वर्क आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द मटेरियल. तो ये जो आर्ट है रिबन वर्क का, जो एम्ब्रॉयडरी है, ये स्टार्ट हुआ था 17वीं सेंचुरी में. और तब से, मतलब तब स्टार्टिंग में ये सिर्फ मेन्स के कोट्स में होता था और साथ में लेडीज के गाउन्स में. इट्स एक्चुअली इंग्लिश बेस्ड एम्ब्रॉयडरी. तो वहां से जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे इसने जब अपना वो ट्रेंड, वो लाइक दिशाएं पकड़ी, तो उस दिशाओं में फिर अलग अलग चीजों पे एम्ब्रॉयडरी नजर आने लगी. जैसे कुशन कवर्स पे आपको रिबन वर्क दिखेगा बहुत, फिर उसके बाद इवन टिश्यू बॉक्सेस के जो कवर होते हैं उसके ऊपर आपको रिबन वर्क दिखेगा, देन बेबी फ्रॉक्स के ऊपर दिखेगा, देन कुर्तों के ऊपर आप योक्स पे देखोगे बहुत सुंदर सुंदर रिबन वर्क होता है, देन साड़ीज पे बहुत रिबन वर्क होता है. जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, जो हमारा ट्रेडिशनल पहनावा है, उस पे आपको रिबन वर्क दिखेगा. आपने देखा होगा कि बहुत सारी साड़ीज पे रिबन वर्क मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, पर हम सीखेंगे किस तरह से उसको करना है. तो सीखने से पहले हम आपको क्या क्या चीजें यूज होंगी और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, उनमें से एक आध मेरे पास है, आई विल शो यू दैट. तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना नीट वर्क होता है और किस तरह से हम उसको और टिप्स एंड ट्रिक्स से और नीट बना सकते हैं. फाइन. So, yes, you can show them. Yeah. So we'll start with the things and the materials that we are going to use. तो जो जो हमारे साथ अभी बना रहे हैं, तो आप भी ये सारी इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल्स है, वो सारी देखिए और वही अपने जो अपना जो सिलाई वाला बॉक्स है बस उससे बाहर निकालिए. ऑल राइट. तो आई कैन सी काफी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज है जो हमारे साथ आज फिर से कर रही है. आई फील सो हैप्पी. Yes, Richa. I hope you guys can see the material. Yes, Richa. बस अपनी तरफ थोड़ा सा कीजिए बास्केट को ताकि we can see. Yeah, better. Okay. So ये ribbon है, like ये जो normally ribbon होता है, हम कई बार birthday cake में knife पे बांध देते हैं या फिर baby frocks में use होता है या flowers बनाते हैं इसके, तो ये वही ribbon है. अगर आप ये वाला देखोगे तो you can make out. Fine. So, इनकी विड्थ जो होती है वो अलग अलग होती है. तो रिबन वर्क में हम वेरियस टाइप ऑफ विड्थ के रिबन यूज करने वाले हैं. फाइन. जैसे इसका जो विड्थ है ये 1/8 inch है. फाइन. जस्ट 1/8 inch, एक आठवां भाग जो इंच का होता है उस साइज का है. फाइन. तो जितना महीन रिबन होगा उतना सुंदर आपका काम बनेगा. फिर ये है जैसे, फाइन. सिमिलरली आई हैव 2-3 कलर्स इन दिस. Then I have a red one. I can't miss this. Yes, that's your favorite color. Yeah. So these are the ribbons. And agar aap chaho to instead of ribbon, kahin kahin, not because this is ribbon work, aap gota bhi use kar sakte. Just to highlight in few places, not much. ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा stiff होता है और ये बहुत silky होता है. तो इसका जो look आएगा वो इसका नहीं आएगा. Fine, but still I've kept an alternative. अगर आपके पास घर में है तो आप उससे भी practice कर सकते हो. Then we'll be needing a scissor. और हम कहीं कहीं इसमें ये यूज करेंगे लाइक मोती. तो इस तरह से आप वेराइटी ऑफ मोती देख सकते हो. फाइन. तो हम इस तरह से बीच बीच में कहीं देने के लिए हम मोती यूज करेंगे. Alright. So apart from this, I'll show you the needles that we are going to use. इसके लिए ऐसी टेपेस्ट्री नीडल्स चाहिए होती हैं. फाइन. आई होप इट्स क्लियर ऑन दिस ब्लैक फैब्रिक. यस, इट्स प्रीटी क्लियर. इसको टेपेस्ट्री नीडल्स बोलते हैं. हम नॉर्मल वाली नीडल्स से नहीं बना सकते क्योंकि रिबन की विड्थ ज्यादा होती है, वो उसकी आई में नहीं घुसेगा. फाइन. तो दिस टेपेस्ट्री नीडल्स हैव अ बिगर एंड अ वाइडर आई और ये आगे की तरफ दे हैव अ ब्लंट एज. फाइन. पर हमको ये ब्लंट वाला नहीं यूज करना है, हमको शार्प वाला यूज करना है. फाइन. बिग आई विद अ शार्प लिड टिप. इसकी आई बड़ी होनी चाहिए पर इसका टिप शार्प होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए. ये स्वेटर वाले के जैसा नहीं यूज करना है, नहीं तो ये फैब्रिक में घुसाने में हमको बहुत दिक्कत होगी. फाइन. सो आई एम गोइंग टू यूज दीज टू टूडे एंड आई एम जस्ट कीपिंग दिस अवे.
या ये भी जिसका आई बड़ा है और पॉइंटेड टिप है, आई कैन यूज दिस एज वेल. मेन इज हमको ये टिप आई बड़ा चाहिए और टिप पॉइंटेड चाहिए ताकि फैब्रिक में नीडल इजीली जा सके. राइट? यस यस. एंड देन द फ्रेम हैज टू बी देयर. तो फ्रेम तो लगेगा ही हमको, क्योंकि हमको सब एम्ब्रॉयडरीज में फ्रेम चाहिए रहता है. सो आज हम ब्लैक फैब्रिक पे करेंगे ताकि सब कलर्स अच्छे से दिखें. तो इसमें हम लोग आई जस्ट ड्रॉ थोड़े से सर्कल्स. तो इस तरह से आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस को हम अलग अलग उसमें देख सकें. ग्रेट ग्रेट. Fine, so this I'm keeping ready and now I'll show you one of the products जिससे कि आपको clear हो कि ribbon work exactly क्या है. Like this is a kurti of mine. So इसमें आप देख सकते हो कि ribbon work आपको इसमें समझ में आएगा. और ये बहुत, this is done with a 1/8 inch ribbon. So see how neat and how intricate it is. आपने साड़ीज में देखा होगा कि बहुत मोटा मोटा रिबन यूज होता है, वो उतना अच्छा नहीं दिखता, पर अगर आप ये ऐसे बनाओगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है. इट लुक्स ब्यूटीफुल. डेफिनेटली. फाइन, सो आज हम यही एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले हैं कि हम रिबन वर्क किस तरह से और किस डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस से कर सकते हैं. फाइन, श्योर श्योर. और रिचा, बिफोर मूविंग अहेड, आई कैन सी सम क्वेरीज इन ग्रुप. दे आर लाइक, रिचा मैम इज नॉट देयर इन स्पॉटलाइट, ऑल्दो फ्रॉम माय व्यू आई कैन clearly see you, but अगर आपको रिचा स्पॉटलाइट में नहीं दिख रही है तो प्लीज से येस, क्योंकि फ्रॉम माई साइड आई कैन सी रिचा. प्लीज से येस इफ यू कैन सी हर सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आवर क्लास. जस्ट अ मिनट. या प्लीज से इट्स येस. मैंने चैट भी एनेबल किया है. ऑल राइट इट्स येस येस. थैंक यू फॉर योर फीडबैक गाइज. येस रिचा, वी कैन कंटिन्यू. Okay. So I've shown you the product. Now we'll just do the how we are going to put the ribbon and the needle and everything. Fine. So I just put my frame. Usme se hata do. All right. So, Richa, are you there? Richa? Yes, Richa, it's perfect. Okay. So, see, I'm going to put the ribbon in my needle like this. और ये नीडल डाल नीडल में रिबन डालने के बाद मैं इसी एज से इसमें वापस ले जाऊंगी सो दैट इट गेट्स लॉक्ड. नहीं तो रिबन सिल्की होने की वजह से निकल जाता है नीडल से. सो दिस टेक्निक विल हेल्प यू लॉक इट. सी, ये जो मैंने अंदर किया अब ये लॉक हो गया है. फाइन. ओके. एंड हाउ टू पुट अ नेट ऑन द नॉट ऑन द अदर एज. हम इस तरह से करेंगे और इसको वापिस दूसरे वाले एंड से, एक एंड हमने यहाँ लॉक कर दिया है ऑन द अदर एंड ऑफ द रिबन. हम इसको ऐसे ले जाएंगे और पूरे रिबन को इसमें से निकाल देंगे तो इट विल क्रिएट अ नॉट. तो इस तरह से हमको नॉट बनानी होगी ताकि ये हमारा फैब्रिक में से बाहर नहीं निकले. फाइन. ऑल राइट ऑल राइट. शैल आई शो यू वंस अगेन? यस प्लीज. मतलब दोज हु आर ट्राइंग इट राइट नाउ वो अच्छे से देख पाए. इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए दूसरी साइड से, जस्ट अ फोल्ड. फाइन. एंड देन पुट योर नीडल लाइक दिस सो इट विल क्रिएट अ नॉट. तो ये हमारा नॉट बन गया है और ये नहीं खुलेगा. तो अब हम यहां से अपना स्टार्ट करेंगे वर्क. तो फर्स्ट स्टिच मैं आपको बता रही हूं, इट्स अ स्ट्रेट स्टिच.
रीचा, ये ब्लैक क्लॉथ पे ना व्हाइट रिबन काफी यू नो अच्छा और प्यारा लग रहा है. वैसे विजिबिलिटी अच्छी आ रही है ना? यस यस यस, इट्स प्रॉपर्ली विजिबल. मेरे को वही एम था मेरा कि आई विल टेक सम डार्कर कलर फैब्रिक ताकि सारे कलर्स इस पे अच्छे से दिखें. राइट, सो हम इसमें जस्ट एक स्ट्रेट स्टिच ले रहे हैं. हमने ये दो सर्कल्स इसलिए बनाए कि हम सेंटर जो है फ्लावर का उसमें कुछ और भर दे, और ये जो बाहर का पार्ट है इसकी बाउंड्री सेट करने के लिए हमने और एक सर्कल बनाया. फाइन. All right. So, I'm just inserting it on my outer circle. ये मेरा fabric थोड़ा सा dense है. And I'll make straight stitch. आप इस तरह से needle में इसका ये डाल के और इसको थोड़ा loosen कर सकते हो. Yes, yes. Like this, you can just insert and make the petals of the flowers just with a straight stitch. It's quite simple actually. वैसे देखा जाता है आप इतना अच्छे से समझाती हो ना, एकदम सिंपल लग जाता है ये सब कुछ. या मेरी टेक्निक, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना भी इजी हो के मैं बता सकूं, सो दैट किसी को भी बाद में करने में प्रॉब्लम नहीं आए. ट्रू ट्रू रिचा, बिकॉज अगर समझ में नहीं आता है ना तो देन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट और आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है. वो तो है, बट वी आर रियली ग्रेटफुल लाइक यू नो यू शो इट अगेन एंड अगेन सो दैट सबको अच्छे से समझ आए. एंड आल्सो रीचा, यू हैव अ मैसेज फ्रॉम, एक्चुअली उनका नाम नहीं है बट डिवाइस नेम है, इट्स आईफोन, एंड शी इज सेइंग फर्स्टली थैंक्स टू रीचा मैम एंड अलीपो टीम फॉर यस्टरडे क्लास. बहुत ही क्लियर थी, जूमिंग प्रॉपरली था और रीचा मैम ने स्टिच रिपीट करके शो किया. थैंक यू सो मच. Yes. We can see, Richa, this is turning into a beautiful white flower, you know. Yeah. So this is how you're going to do it. Aur ye jo aap circles bhi banaoge na, just ye jo aap circles bhi banaoge wo bhi like bilkul light pencil se banana taki kahin se bhi dikhe to it doesn't look bad. Right. Abhi I have made with a silver pen because I wanted you all to see it properly. Okay. Richa, like you know, ribbons little bit hard to stitch like compared to other threads. No, it's actually my fabric is very dense. मुझे black में ना कुछ नॉर्मल फैब्रिक नहीं मिल रहा था तो ये थोड़ा डेंस फैब्रिक है, थोड़ा थिक है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है. नहीं तो ऑन द जिसकी वीव उतनी ज्यादा डेंस नहीं होती ना, लाइक नॉर्मल कॉटन, ये थोड़ा मोटा है कॉटन. अच्छा, आई थॉट बिकॉज़ रिबन थोड़ा यू नो बाकी थ्रेड से थोड़ा मोटा है तो टेक्निकली थोड़ा सा वो लगता है, पर नॉट दैट मच, हो जाता है इजीली. ऑल सो ये हमने कर दिया, इसका फ्लावर इज डन विद अ स्ट्रेट स्टिच. राइट, अब हम इसका सेंटर के लिए विल फिल समथिंग एल्स. So we're taking another color. Yeah, we can take another color. We can use embroidery threads. So main alag alag cheezon mein alag alag I'll show you so that kafi sari cheeze cover ho sake. Great. Jaise maine yahan pe thread liya hai. Fine. So I'm going to make French knot here. To humne isko teen baar wrap kiya aur wahi pe dal diya. Okay. Guys, ये French knot technique हमें रीचा ने चिकनकारी के वक्त ही सिखाई थी, if you remember. Right. You have a good memory, I guess. Well, Richa, if the instructor is so patient and good, you know, सारी चीजें आराम से खुद ब खुद याद हो जाती है. Right, excellent. मुझे तो लगा था कि पता नहीं याद भी होगा कि नहीं किसी को. No, everyone of us remembers this. आपने इतना अच्छे से सिखाया जो है हमें. Thank you so much. तो इस तरह से आप फ्रेंच नॉट स्टिच बीच बीच में डाल दीजिए जिससे कि ये और सुंदर दिखे. जितनी भी नॉर्मल स्टिचेस होती हैं वो सारी हम रिबन वर्क से कर सकते हैं. सो इट हैज अ गुड स्कोप आई विल से. यस. फाइन. वाओ, दिस इज लुकिंग, वो जो पिंक वाला है ना फ्रेंच नॉट, इट लुक्स लाइक अ लिटिल हार्ट ओवर देयर इन द सेंटर.
Right. Fine. So I put 3 French knots. If you want and your space is more, you can even put more to fill the center so that it looks like pollen grains. जैसे फूल के बीच में जो पराग टाइप होता है येलो कलर का, तो वो प्रिडिक्ट करेगा ये. ओके. I can see so many smiling faces, you know, stitching with us at the same time. दीपाली जी तो constantly smile कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें देखते देखते, पता है. So जैसे मुझे इसको एंड करना है तो I'll just put one knot, normal knot, because ये already इतना thick है ribbon कि हमको किसी और ribbon के नीचे से जाने की जरूरत नहीं है. So we'll just put one knot and just cut it. That's it. Perfect. तो अब हम दूसरा स्टिच इसी का देखते हैं. ओके. सो इसके दूसरे स्टिच में वेट, आई विल यूज अनदर. सो वी यूजिंग अनदर कलर और ओके ओके. सो वी कैन यूज रेड. इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट कलर ईचा. आई एम यूजिंग ग्रीन एट द मोमेंट. ओके, नॉट एन इशू. Great. Even green and black really looks good together. Yeah. Wow. So ab maine green color use kiya hai and I'll show you how to do the leaves. Fine. To leaves ke liye I'm just drawing a straight line. Fine. Aur agar aap chaho to you can even draw the outline. Fine. Up to you. Sure. जैसे मैंने लीफ स्टार्ट करने के लिए यहां से लिया है, सेंटर लाइन के राइट से. फाइन. इन द सेम मैनर आई विल पुट इट ऑन द लेफ्ट साइड. राइट से लेंगे और लेफ्ट में डालेंगे. सो ऐसे इट फॉर्म्स अ शेप क्या? या इट्स मेकिंग अ लूप. तो हम ये लूप जो है सेंटर वाली लाइन में डालेंगे इसको, नीडल को अपने. एंड इसके अंदर से ले लेंगे. तो इट विल मेक अ वी शेप. फाइन. यस यस. लाइकवाइज आई जस्ट पुट एंड दिस पार्ट एंड आई शो यू द. अब नीचे एक बार फिर से लेंगे लेफ्ट से and I'll put on the right side and this is called a fish bone stitch क्योंकि ये Y बनता है इसमें और जो फिश की बोन होती है वो Y शेप की होती है. फाइन. अब फिर से इसके सेंटर लाइन में डाल के I'll take the loop inside that and tuck it. इसका लूप मैं इस तरह से ले लूंगी अंदर अपने नीडल में और इसको फिनिश कर दूंगी. तो ये Y बन गया है. और Arisha, can you shift it a bit towards your hand? Okay. Yes, yes, yes. Fine? Yes, yes, yes. इसमें एक चीज का बस आप ध्यान रखो कि जितना बारीक आपका रिबन रहेगा, लाइक जितना विड्थ रिबन का कम रहेगा उतना सुंदर और उतना इजीली बनेगा. ट्रू. कितने प्यारे लग रहे हैं जो लीव्स हम अभी बना रहे हैं. दे लुकिंग वेरी क्यूट राइट नाउ. आई एम जस्ट टेकिंग द लूप फ्रॉम इनसाइड एंड मेकिंग अ वी. फाइन. ओके. तो ये हमारी लीव्स का पैटर्न बन गया है. अगर आपका रिबन पतला है तो आप बहुत पास पास भी कर सकते हो. अच्छी लीव्स बनी है. ऐसे दोनों दोनों साइड में काफी अच्छे से दिख रही है वो हमें. राइट. तो ये दो लीव्स एक बार में बन जाती हैं. यस. फाइन. यस रीचा. नाउ वी कैन मेक द स्टेम ऑफ द लीफ. वो बनाने के लिए हम लोग ट्विस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं. तो आई शो यू हाउ टू डू दैट. ओके. ऐसे कल ही कोई रीचा ना कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, चैट सेक्शन में,
कि फिश बोन भी देखना है उन्हें, और आपने आज यू नो बिना कहे ही दिखा दिया, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. एक्सीलेंट. तो ये फिश बोन हमारा हो गया. अब हम ट्विस्टिंग टेक्निक से इसकी स्टेम कैसे बनानी लीफ की वो देखेंगे. फाइन, तो आई एम जस्ट ट्विस्टिंग माय रिबन, जस्ट हैव अ लुक. ओके, ये मैंने ट्विस्ट कर दिया और जितनी लंबी मुझे स्टेम चाहिए मैं वहां पे अपने नीडल से रिबन को नीचे इंसर्ट कर दूंगी. ऑल जाए, तो हमारी स्टेम बन जाती है. यस यस, फाइन. और इसको क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा ले रहे हो तो आप इसको बीच बीच में टक कर दो. यू कैन डू इट विद अ थ्रेड और यू कैन डू इट विद द रिबन. आप चाहो तो बीच बीच में ग्रीन कलर का मैचिंग थ्रेड लेके और टक कर दो तो वो दिखेगा भी नहीं. परफेक्ट, परफेक्ट, फाइन. यस, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. थैंक यू. अब हम इसका नेक्स्ट स्टिच देखते हैं. यस श्योर. सो रिचा, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, यू नो, ribbons are very, you know, ribbons have a different kind of importance in our society overall. You know, koi auspicious kaam ho to hum log ribbon cut karke shuru karte hain, ya kisi ko medal dena ho to bhi hum log usme ribbons hi use karte hain. Haan ji. So I've always seen the significance of ribbons and aaj aap hame wahi sikha rahe ho, uska work sikha rahe ho, so we are really happy to learn about it. So guys, तब तक आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मेडल्स में यूज करते हैं या कुछ और कट करने के लिए ओपनिंग्स पे हम लोग रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो और कहाँ कहाँ हम ये सारी रिबन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं डे टू डे लाइफ में, आप मुझे बता सकते हैं. सो यस, आई हैव द फर्स्ट आंसर, गौरी जी सेइंग गिफ्ट्स, एंड दैट्स राइट. गिफ्ट्स में करते हैं, गिफ्ट्स दे लुक सो प्रिटी व्हेन यू रैप इट विद रिबन्स. यस राइट, एक अलग ही लुक आ जाता है उसका और एक पर्सनल टच. राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. लाइक आई एम यूजिंग दिस कॉटन बिकॉज़ वो वाला बहुत ज्यादा थिक है. फाइन, सो आई विल जस्ट शो यू ऑन दिस कि बहुत इजीली होता है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि यार इसको करने में तो बहुत टेक्निक चाहिए एंड ऑल. राइट राइट, मुझे वैसे काफी आंसर्स मिले हैं रिचा यहां पे, लाइक किड्स क्लोथ्स, डॉल क्लोथ्स, ध्यान से देखना कि ये मैं कैसे कर रही हूँ. ये वाली स्टिच को रिबन वर्क में ही यूज किया जाता है और इसको रिबन स्टिच बोलते हैं. फाइन, तो हमने जैसे हमने स्ट्रेट स्टिच लिया था वैसे ही लेना है, पर हमको फैब्रिक में इंसर्ट करने की जगह हम इसके टिप पे इंसर्ट करेंगे. हमको जितना भी बड़ा लीफ चाहिए हम उतना करके और इसके टिप में इंसर्ट करेंगे. ऑल राइट, तो दिस इज द रिबन स्टिच. परफेक्ट, फाइन. ये बहुत खूबसूरत दिखती है. यू कैन मेक लीव्स, यू कैन मेक पेटल्स, आप इससे फूल की पत्तियां भी बना सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप यूज करो, ये बहुत सुंदर दिखती है. हम दो तीन बना के देखते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि ये कैसा दिखता है. Yes. और अगर आपकी ये प्रॉपर नहीं आ रही है तो आई विल गिव यू अ टेक्निक. जैसे ही मैंने इसको ये अंदर डाला, फाइन, तो ये जब घूम के वापस आ रहा है तो आप इसमें एक कोई भी नीडल इंसर्ट कर दो. फाइन, और फिर इस रिबन को खींचो तो ये प्रॉपर इसका होल्ड करेगा शेप. Wow. Fine. So you can do it like this as well. Great, great tip, Richa. Thank you. ये भी बताने के लिए, because कई बार हो जाता है, you know, ribbon थोड़ा सा silky होता है तो slip हो जाता है और अपना shape lose कर देता है. But right. आपने अभी जो trick बताई है, तो thanks for showing that actually. You're welcome. अब आप देख रहे हो मैं कितना easily ये वाले fabric पे कर रही हूँ. Actually मुझे black पे दिखाने का मन था, पर I forgot to notice कि वो बहुत thick है. इसमें देखो कितना easily हो रहा है, जैसे हम normal embroidery करते हैं वैसा ही ease से easily हो रहा है इतना. Right, right. And also, Richa, I had this question on the group I saw. So it asked, can we use gota patti as a lace?
That's what I said. Normally, ribbon work is done with ribbon only. But okay. as an alternative, if you don't have ribbon, you can do it with gota patti also. Just try and see. It will give a different look. Okay. Okay. Fine. Yeah, you can do one thing when you're making your entire design. कहीं center में देना है तो you can use gota patti. या थोड़ा सा इसको highlight करना है तो you can use gota patti. Okay. Okay. The technique of using the gota patti in this embroidery will be same. नहीं तो gota patti का जो work होता है वो अलग होता है. अच्छा अच्छा. So ये हमने complete कर लिया है. अब हम next stitch देख लेते हैं. इसको हम lazy daisy भी बोलेंगे. Ribbon work का lazy daisy. यस प्लीज ध्यान से देखिए ताकि आप मिस ना करें स्टिच करते वक्त. तो पहले आप देख लीजिए रीचा कैसे बना रही है. प्लीज वॉच इन द फर्स्ट प्लेस. मैंने ये सेंटर से निकाला है और हम जो आउटसाइड वाला हमारा सर्कल है द बिगर सर्कल उसकी टिप में निकाल रही हूँ. रीचा कैन वी कीप द रिंग इन द बिट स्लाइटली इन द सेंटर. इट्स गोइंग इन वन साइड. या परफेक्ट बेटर फाइन जी. तो ये मैंने इसका एक चेन स्टिच टाइप बना लिया. हमने ऑलरेडी चेन स्टिच सीखा भी था कैसे बनाते हैं. और ये सर्कल में हमने इंसर्ट करके निकाला है. अब हम इसको टिप को थोड़ा बाहर में इंसर्ट कर देंगे ताकि हमारी ये स्टिच कंप्लीट हो जाए. ऑल राइट फाइन. सो दिस स्टिच गिव्स अ पॉइंटी लुक टू योर लीफ. फाइन. सो दिस इज डिफरेंट. दिस वन इज डिफरेंट एंड द वन विच वी डिड इन द ब्लैक फैब्रिक दैट वाज डिफरेंट. ऑल राइट. सो गाइस काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ जी प्लीज लाइक ऑफ कोर्स मैं जैसे रीचा थोड़ा आगे बढ़ेगी एंड शी इज अप फॉर क्वेश्चंस विल आस्क टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस. इफ यू वांट वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस बाय द टाइम आई एम फिनिशिंग दिस फ्लावर. ओके दैट वुड बी ग्रेट देन रीचा. या यस. तो मैं अभी चैट सेक्शन एनेबल कर रही हूँ. श्योर. ऑल्सो रीचा वंस यू फिनिश दिस ना विद व्हाइट कलर आप वापस से रिबन में आप मतलब नीडल में आप थ्रेड कैसे इंसर्ट करें वो प्लीज दिखा देना. प्लीज रिपीट हाउ द प्रोसीजर ऑफ यू नो ऑफ टाइंग द रिबन इन द नीडल सो दैट. ओके फाइन आई विल डू दैट नो प्रॉब्लम्स. या एंड आल्सो कैन वी पुट द बीड्स इन द मिडिल लाइक फ्लावर का जो बीच में हमारा. यस यस आई विल बी शोइंग यू हाउ टू पुट द बीड्स एज वेल. ऑलराइट. कृति जी सिंह मैम इट लुक्स रियली अमेजिंग. बहुत सुंदर वर्क है ये. ओके एंड रीचा हाउ डू यू सिक्योर इट इन द एंड लाइक आप एक बार हाईलाइट करके बताइए कि दिस इज हाउ वी डू इट वंस यू आर डन. आई कवर दैट एज वेल. तो भुवनेश्वरी जी आप बस एंड में ठीक से देखिएगा. रीचा जी दिखा देंगी कैसे हमें इसे सिक्योर करना है रिबन्स को. मैम कैन वी यूज थिक रिबन्स. व्हिच रिबन्स. थिक थोड़ी जाड़ मोटी. हाँ मोटा विड्थ में आप मोटा ले सकते हो पर एक रिबन होते हैं जो आई शो यू लाइक ये जो है ना ये वैसे सॉफ्ट है पर वाइड इट्स वाइडर तो यू कैन यूज दिस नो प्रॉब्लम्स. बट कुछ रिबन होते हैं जो थिकनेस उनकी इसमें होती है विड्थ में नहीं होती पर डेंस होते हैं बहुत वो मत यूज करो क्योंकि वो फिर बहुत हार्ड होंगे आप इनको यूज करना. ऑलराइट. सो ऑल्सो रीचा अर्चना जी पूछ रही है is there a particular cloth that we should use for ribbon work cause I couldn't do it on my cloth. Which cloth you are using? Okay. Achana ji aap hame end mein matlab abhi chat box mein mujhe bata sakte hai ki aap kaun sa cloth use kar rahi hai. Tab tak I'll take next queries. So Priyanka ji is saying Richa Neil se kapde pe copy karna sikhane wali thi. Okay. Yes. Yes, yes. So, Priyanka ji, वो भूली नहीं है. We'll do it. Don't worry about it. So, इसको secure करने के लिए आप बस एक सिर्फ एक knot बांधो and just cut it with the scissors. That's it. Okay. So, ये हुआ secure करने वाला part, right? Yeah. Great. So, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अगर हम वो डाल रहे हैं like beads center में, तो how are we going to put? Sure. So, आप बीट डालने के लिए यू टेक अ नॉर्मल एंकर थ्रेड एंड यू कैन जस्ट कीप द थ्रेड एंड नीडल रेडी एंड देन यू कैन पुट अ बीड इन द सेंटर. ग्रेट. सो जिन्हें भी बीड्स पुट करने थे मैंने मतलब आपके क्वेश्चंस में और चैट्स में देखा
तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे अभी रिचा यू नो सेंटर में बीड्स लगा रही है वहां पे. कूल. ऑल्सो रिचा लता जी कह रही है आई एम हैविंग प्रॉब्लम पुलिंग द रिबन बिकॉज आई एम यूजिंग बिग नीडल हेड यूज फॉर स्ट्रिंगिंग फ्लावर्स. यस 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 यू हैव टू यूज पॉइंटेड नीडल. फाइन नीडल पॉइंटेड होना चाहिए, आई बड़ा होना चाहिए. फाइन. ओके ओके. डोंट यूज द ब्लंट नीडल, वो निकलेगा नहीं. ओके. एंड ऑल्सो रिचा हाउ टू पुट द स्टेम, निखिला जी है वो पूछ रही है हाउ टू यू नो पुट द स्टेम. स्टेम. या आई विल शो यू हाउ टू पुट द ट्विस्टेड स्टेम एज वेल. तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बीड लगा रही हूँ तो मैंने ये नीडल में थ्रेड लिया है, आई एम नॉट टेकिंग द रिबन, और इसमें मैंने बीड डाला एंड देन आई पुट इट इन द सेंटर. ओके. फाइन. सो ऐसे आप छोटे भी बीड्स लगा सकते हो, बड़े भी लगा सकते हो, विच एवर वंस यू फील लाइक यू कैन पुट. नॉर्मली द स्मॉलर द बीड द प्रिटियर इट लुक्स. डेफिनेटली डेफिनेटली. राइट. अब हम इसी में स्टेम बना के देखते हैं सो दैट उनका जिनका क्वेश्चन था वो भी हम सॉर्ट आउट कर सके. यस यस. इट्स फ्रॉम निखिला. तो निखिला मैम आप देख सकती है जैसे मैं ये रिबन से ही स्टेम बना रही हूँ. इसको आप ट्विस्ट कर लीजिए. देखिए मैं किस तरह से इसको घुमा रही हूँ. फाइन. इसको हमको सिर्फ इस तरह से गोल घुमाना है ताकि एक स्टेम का शेप ले ले. फाइन. आप देख रहे हो ये घूम गई है पूरी. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो हम इसको जितना भी हमको इसको लंबा रखना है हम लंबा रख के और वहीं पे नीडल टक कर देंगे अंदर. ग्रेट. नॉर्मल बस सिर्फ फैब्रिक में टक किया है मैंने. फाइन. और अब अगर आप चाहते हो ताकि ये किसी कपड़ों वपड़ों में फंसे नहीं तो यू कैन जस्ट टक इट एक दो जगह पे ताकि ये और प्रॉपर और सिक्योर हो जाए. मैं इसको दो जगह पे टक कर रही हूँ अभी. जैसे मैं रिबन से कर रही हूँ यू कैन इवन डू इट विद अ थ्रेड. तो आप व्हाइट कलर के थ्रेड से दो तीन जगह पे टक कर दो तो ये सिक्योर हो जाएगा. वाओ कितना सिंपल था एक्चुअली रिचा ये वाला टेक्निक भी एक्चुअली द स्टेम टेक्निक. राइट. एंड इट लुक्स गुड. डेफिनेटली यस. अब हम इसी में जैसे दूसरे तरह का लीफ भी बनाना देख लेते हैं. जी जरूर. जैसे हमको इसमें कुछ लंबे तरह के लीव्स बनाने हैं तो हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने अभी सीखा था द रिबन लीव्स. ओके. ये हमने ऐसे किया देन हम एक और लीव बना लेते हैं इसी का. रिबन वर्क इज रिचर इज मोर सिंपल देन आई नो अदर स्टिचिंग आई कैन सी. मतलब कल जो स्टिचिंग में आप बता रही थी एकदम बारीकी बारीकी से like ribbon is more easier compared to that I'll say. Yeah, it's easier in the sense that बहुत जल्दी भी बनता है क्योंकि इतना बड़ा होता है ribbon कि वो फटाफट बनने लग जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. So these the leaves are done. You can make a flower also with this stitch. So it's totally up to you कि आप कौन से stitch से क्या बना रहे हो. Fine. अब हम इसको finish करना है तो हम just एक simple knot बनाएंगे और यहीं पे अपना रिबन कट कर देंगे. बहुत रिबन को बहुत ज्यादा इधर उधर ट्रैवल मत होने दीजिए नहीं तो वो फिर उलझेगा. ओके. रिचा कैन आई हैव आउट पिक्चर ऑफ दिस. या जस्ट अ मोमेंट. ओके. कैन जस्ट होल्ड इट टू अ बिट. या सेंटर. परफेक्ट. हम ग्रीन रिबन लेते हैं. मैं आपको इसमें रिबन भी डालना बता रही हूँ कैसे करना है. Yes, इसको sure. आप थोड़ा सा ट्राइंगल के शेप में कट करो. फाइन. सो ये टिप पॉइंटेड मिल गई आपको. अब आप इसमें इंसर्ट करोगे तो बहुत इजीली चला जाएगा. फाइन. यस यस.
और अगर आप इसको ऐसे ही मैनेज कर सकते हो तो यू कैन लीव इट लाइक दिस एंड पुट अ नॉट हियर, और नहीं तो आप इसको ऐसे फोल्ड करो और ये नीडल को इसमें डाल दो, तो ये अपने आप में एक नॉट बन जाएगी. All right. So, जिन्हें भी देखना था कि रिचा ने रिबन कैसे इंसर्ट किया है अपना नीडल, तो ये प्रॉपर नॉट हो गई है एंड इट विल नॉट ओपन. परफेक्ट. Also, Richa, what is the fabric that you are using right now? The maroon fabric? This is normal cotton fabric, you can say. Lizzie Bizzy bhi bol sakte ho aap isko. Rayon bhi bol sakte ho. Okay, okay. And Richa, also there is this, you know, usually question aata hai. Matlab, ribbon ke work thoda nazuk hota hai. So is it, and you know, can we wash it in the washing machine? Or we need a hand wash for that? Like, use it. Nahin, nahin, please hand wash. Because these are all very delicate things and you have put in so much of efforts. मशीन में डालूंगी तो इट विल बिकम रियली क्या बोलूं मैं, रुइन हो जाएगा पूरा. राइट राइट, बिकॉज़ वंस दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड विद मी, तो इसलिए आई हैड, इवन आई हैड द क्वेश्चन कि मतलब कैसे होता है उसका, क्योंकि पीछे से जो रिबन है वो पूरा उलझ गया था. ओके, क्योंकि ना मशीन में जाने से वैसे ही नॉर्मल कपड़े इट बिकम्स बैड, तो ये तो फिर डेलिकेट हो जाएगा बहुत. ट्रू ट्रू. फाइन, Yes. So, ये आप किसी भी कॉटन फैब्रिक पे करिए, वो आराम से बन जाएगा, देयर वोंट बी एनी इशू. जैसे ये वाला भी जो मेरा वर्क करा है, ये भी नॉर्मल कॉटन फैब्रिक है. Okay. बहुत पतला नहीं है, नॉर्मल जो हम कॉटन फैब्रिक यूज करते हैं हमारे कुर्तों के लिए, ये वही है. ओके ओके. और इसका बैक साइड देखो, थोड़ा थोड़ा इन्होंने ट्रेवल किया है लाइक ये वाले में मैंने, पर बहुत ज्यादा नहीं ट्रैवल कराया. बहुत ज्यादा करेंगे तो वो लजने लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल, वी डोंट वांट दैट, राइट? या सो अब हम इसी का एक और वेरिएशन देख रहे हैं, तो मैं उसको ग्रीन से करती हूँ. ये मैंने सेंटर से स्टार्ट किया इसको, और इसमें मैं एक लीफ के साथ में एक फ्रेंच नॉट भी दूंगी. तो अब आप ये देखो कैसे करना है. आई जस्ट रोटेट माई रिबन ऑन माई नीडल. मैं अपने रिबन को अपने नीडल के ऊपर रोटेट कर रही हूँ एंड देन आई एम पुटिंग इट बैक. ऑल राइट, सो एक डिफरेंट लुक आ गया इसका. ओके, तो आप इससे भी इसकी लीव्स बना सकते हो. ये ऐसे लिया, उसके बाद हमको जहां पे डालना है हमने इसको ऐसे रोटेट किया, जस्ट सिंगल टाइम, जस्ट वंस. हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा बार नहीं करेंगे, बिकॉज रिबन इटसेल्फ इज थिक, तो हमको बहुत कम कम करना है. फाइन, यस यस. रिचा आल्सो, आप हमें रोज का फ्लावर दिखाने वाली है क्या, क्योंकि डिमांड काफी आ रही है रोज के फ्लावर के लिए. हम लोग एक्चुअली में स्पाइडर वेब की तरह से एक फ्लावर बनाएंगे रोज वाला. Okay. तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है. ग्रेट ग्रेट. सो ऑल रोज लवर्स, रिचा खुद एक रेड कलर की लवर है, तो ऑफकोर्स वो रोज दिखाएंगी. सो डू नॉट वरी, शी इज गोना शो अस हाउ टू मेक द रोज. तो अभी जो हम बनाने वाले हैं, जो मैं स्पाइडर स्टिच आपको बता रही हूँ, यू कैन हैव अ लुक. इसको हमने ऐसे किया और वो वाली स्टिच में आई डू इट विद अ वाइट रिबन. फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट पुट द रिबन एंड ऑल. श्योर श्योर. सो गाइस, वैसे तो हमने इन चार दिनों में अलग अलग टाइप की यू नो एम्ब्रॉयडरी सीखी, उससे पहले हमने चार अलग स्टिचेस सीखे. तो आप जल्द से जल्द मतलब कौन सा जो स्टिच है या एम्ब्रॉयडरी है वो अपने घर पे ट्राई करने वाले हैं, आप मुझे और रिचा को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज वी विल बी रियली हैप्पी कि आप कौन सी एम्ब्रॉयडरी को ज्यादा पसंद किए और कहाँ कहाँ आप करने वाले हो. तो वी वुड बी रियली हैप्पी टू सी दैट. वृंदा जी थैंक यू. ओके, रिबन, वाह, फुलकारी वर्क, दैट्स ग्रेट. निकिला जी सिंह, कसौटी एम्ब्रॉयडरी, नाइस नाइस. अर्चना जी सिंह, कसौटी एंड फुलकारी. लता जी कह रही है चिकन वर्क. आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल दीज रिस्पॉन्सेज. एक्चुअली प्रियंका जी ने तो कहा ऑल,
That's nice. Richa, here you have a message from Shruti ji. She is saying, thank you, Richa, for all the designs. Thank you so much for having so much of patience, because embroidery is really a patientful work. Definitely. We also have Preeti ji ka or Sudipa ji ka message, jo dono carry all. So, sari embroideries abhi jald se jald try karne wali hai. All right. Oh, Nikhila ji is saying, ma'am, I already made an embroidery flower in the mask. With a? On the mask. Wow, excellent. We will love to see the picture. Yes, she's asking, can I show? Please, aap end mein zarur apna camera enable kijega. Taki Richa bhi tab dekh paaye Nikhila ji. We'll see that in the end. Aur sirf Richa hi, hum sab log hi dekh lenge actually. Right. Yes. Richa, you're getting a lot of compliments here. Actually, main kaafi sare pad rahi hoon. Even Lata ji saying, thank you, Richa. You showed patience, wonderful teaching. Wow. Aap log itna sara, yes, we can continue. Yeah, actually, I don't know, maybe because of summer or something, the mobile is getting heated up. I changed two devices, but it's still I'm having the problem. Yeah, it happens sometimes, you know, technology, so it has most of the cons, but that's fine. We can continue. And main aapko bata deti hu, meanwhile, I've got so many compliments for you, Richa. Thank you so much. Thank you, everybody. I really appreciate your comments and everything. Yes. Okay. So we'll do the spider stitch in which we'll be making a flower out of it. Fine. So aap dekhiye ki isko kaise banana hai. Maine ek circle draw kiya hai. आप छोटा भी बना सकते हो, मैंने अभी थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आप लोग को दिखे. फाइन, ऑल राइट. तो माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, नो प्रॉब्लम्स विद दैट? नो, इट्स कंप्लीटली फाइन टीचर, वी कैन कंटिन्यू. ओके, सो ये देखिए, मैं स्ट्रेट स्टिच बना के आई एम जस्ट मेकिंग 5 लाइंस, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हम रोज स्टिच अपना या फ्लावर स्टिच बना सके. सो दीज आर द 3 लाइंस. And I'm going to make 2 more. So total मैं 5 lines बस बना रही हूँ, जिससे कि हम spider stitch इसके ऊपर बना सकें. Yes. जो stitch का नाम है, that is spider stitch, but we'll be making a flower out of it. और जैसे मैंने यहाँ पे black color का thread use किया है, please जो भी color का ribbon use कर रहे हो, आप वही color का thread use करोगे, ताकि कहीं से भी आपका ये दिखे नहीं. But I am using black ताकि आपको camera में अच्छे से दिख सके. Yes, all right. हमको थ्रेड से सिर्फ इसके 5 स्पोक्स चाहिए या 5 लाइंस चाहिए, एंड उसके बाद हम अपना रिबन से काम करेंगे. ये मेरे पास व्हाइट रिबन है और इसको मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगी. परफेक्ट. फाइन. यस. अब आप देखो कि हम इसको कैसे मूव करेंगे. ये वाली जो हमारी फर्स्ट जो लाइन आ रही है, इसके ऊपर से ले रही हूँ मैं और नेक्स्ट वाले के नीचे से. अरिजा, बिफोर मूविंग अहेड, कैन वी जस्ट चेंज द कैमरा एंगल अ बिट, लाइक थोड़ा सा ज़ूम करके और फ्रेम आप अपनी तरफ कीजिए तो सब देख पाए अच्छे से. या परफेक्ट, दिस इज गुड. तो ये मैंने अपना जो रिबन है वो सेंटर में निकाला है और ये जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर से मैं ले रही हूँ अपना नीडल और नेक्स्ट वाले के नीचे से. फाइन. सो आप देख सकते हो ये नीडल इसके ऊपर से गई है और नेक्स्ट वाले के नीचे से गई है, तो ऐसे अल्टरनेट हमको लेना होगा. फाइन. यस. फाइन. अब ये वाले में नीचे से आ रहा है, तो इसमें मैं ऊपर से लेके फिर सामने वाले में से नीचे से लूंगी. फाइन. यस रीचा. और इसको आप थोड़ा टाइट करते जाओगे. अब ये वाली लाइन जो मेरी बची है, मैं यहाँ से नीचे से आई हूँ तो इसके ऊपर से जाना होगा मुझे. आई विल गो ऑन टॉप ऑफ दिस वन. तो ऐसे ही ऑल्टरनेट हो जाएगा, जैसे ये मेरा ऊपर से गया था, अब मेरा नीडल नीचे से जा रहा है, बिकॉज हमारे पास 5 स्पोक्स हैं, तो वो ऑल्टरनेट घूमेगा. फाइन. जी बिल्कुल. और इसको रिबन को आप थोड़ा टाइट करते जाओ, तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग. और ये जब आपका ब्लैक थ्रेड जो है, अगर वो व्हाइट रहेगा तो आपको ये ब्लैक भी नहीं दिखेगा, इट विल बी टोटली अ व्हाइट फ्लावर.
तो हम लोग इसे प्रॉपरली ऐसे वेब के जैसे जा रहे हैं, स्पाइडर जैसे वेब बुनता है, राइट, अल्टरनेट 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 वैसे दिख रही है फ्लावर भी हमें यहाँ पे, राइट राइट राइट, बट आई एम श्योर ये एंड रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल लगने वाला है. बहुत सुंदर बनता है. यस यस रिचा, ये वापस थोड़ा आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा है, कैन यू प्लीज कीप इट इन द फ्रेम इटसेल्फ, और वी कैन यूज द यस्टरडेज एंगल, आई विल से दैट वाज परफेक्ट फॉर अस. ओके 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 पेशु, कैन यू मूव दिस थिंग हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल पुट द कैमरा ऑन द अदर साइड. या 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 श्योर. So this is how we are going to make, you know, web wali design say rows. Yeah, so you, yes, yes. So we are learning so many techniques of ribbons as well. Yeah. Aricha, we need to zoom in a bit. Yeah, yeah, just a minute. I'll just remove this thread of mine. Sure, sure. So guys, just be patient. Richa, 2 minutes mein we'll be seeing it more clearly. Yes, and she is here. Fine. Yeah, completely. So ये मेरा नीचे से आ रहा है. अब मैं इसके ऊपर से लूँगी और ये वाले के नीचे से. Fine. Yes, yes. This is how you're going to travel. All right. Alternate करते जाओ आप. बिल्कुल. Great, it's looking beautiful actually, very beautiful. इसको बस जो मैंने ब्लैक थ्रेड लिया है वो आप ब्लैक या कॉन्ट्रास्ट मत लीजिएगा. यू हैव टू टेक द सेम कलर थ्रेड ऑफ योर रिबन, वट एवर कलर रिबन यू आर यूजिंग, यू विल बी मेकिंग द स्पोक्स और द लाइंस ऑफ योर स्पाइडर वेब विद द सेम कलर, तो ये और सुंदर दिखेगा. अच्छा, तो अभी आपने बस हमारे रेफरेंस के लिए वो यूज किया था, राइट, सो दैट हमें दिख सके, ताकि हम लोग को कैमरा में क्लियर दिख सके. ओके ओके, नहीं तो मैं व्हाइट पे व्हाइट करती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्ट क्या कर रही हूं. राइट, इवन दैट इज ट्रू. सो अगर आपको एकदम प्रॉपर वाला फिनिशिंग चाहिए ना, तो जो भी कलर का फ्लावर बना रहे हैं वही कलर का जो थ्रेड है वही यूज कीजिए, ताकि यू नो कोई ऐसे डिफरेंस ना लगे बीच में, एकदम परफेक्ट दिखे. राइट राइट, सो यू हैव टू कंप्लीट इट टिल द एज ऑफ ऑल योर लाइंस, जो भी लाइंस की आपकी एज है आप वहां तक उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए. सो इसीलिए वो लाइंस की जो विड्थ है या द लेंथ ऑफ द लाइन, दैट विल बी जितना भी बड़ा आपको फ्लावर बनाना है उसके अकॉर्डिंग. ऑलराइट, so I can see we are almost in the end of the flower. Yeah. Great. Richa, वैसे आपका favorite क्या, मतलब ribbons में जो fabrics, I mean, you know, yes. आप ribbon work कहाँ ज़्यादा पसंद करती हैं? It looks good on everything. अगर आप cushions बनाओ, you can make small small flowers of ribbon work on your mask. See, oh. This is the center rose जो ये बना हुआ है. आप थोड़ा ऊपर होल्ड कर सकते हैं इसे ताकि देख सके क्लियरली. या यस यस यस, सो दिस द सेंटर वन इज डन बाय दिस. ओ ओके फाइन, और अब हम ये भी बनाना देख लेते हैं कि इसमें ये जो गैदरिंग किया है वो कैसे किया है. फाइन जी, बिल्कुल बिल्कुल. सो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है वंस इट्स कंप्लीटेड. या actually I'm not doing it with the same color, so wo thoda sa untidy dikh raha hai, but not an issue. Richa, white pe white aap karoge to it will look amazing, bahut pretty dikhega. Bilkul bilkul, and this is the easiest way, baki bahut technical aur bahut what to say, alag alag ways hote hain banane ke. And one more thing, aap iske sath agar chaho to thoda sa gota to use kar hi sakte ho. Apart from that, you can even use थोड़ा सा जो organza का ribbon आता है ना वो. I'm not having that at the moment. मैंने order किया था पर आया नहीं. So do we have gota paper as well? Like
अभी मेरे पास गोटा है तो आई एम यूजिंग दैट एंड शोइंग ताकि जिनके पास अगर है तो दे कैन यूज इट. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे ये जो ग्रुप पर रिक्वेस्ट आया था कि आपको देखना था कि गोटा से कैसे करते, तो प्लीज अभी रिचा आपके लिए दिखा रही है. रिचा ना आप सब लोगों के मन की बात जरूर जानती है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो मैं बोलने से पहले ही आपको सब दिखा देती है. थैंक यू सो मच. अब ये हमने अपना गोटा ले लिया है तो इसका जो आउटसाइड वाला रिंग है वो मैं इससे बना रही हूँ, पर आउटसाइड वाला रिंग जो है वो आप थोड़ा सा ब्रॉड रिबन से बनाओगे तो वो और सुंदर दिखेगा. तो आप इसमें लाइक सेम कलर का थ्रेड लो, लाइक गोल्डन का कॉटन थ्रेड, और उससे बनाओगे आप. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट पुट अ थ्रेड इन दिस. श्योर श्योर. सो अभी नीचे इसमें थ्रेड वगैरह लगा रही है. आप इसमें नॉर्मल वाला जो हमारा स्टिचिंग वाला थ्रेड होता है वो भी लगा सकते हैं. ओके ऑलराइट. इससे मैचिंग जो भी आपका स्टिचिंग का थ्रेड मैच हो रहा है आप वो भी लगा सकते हैं. श्योर श्योर. सो गाइज, वैसे तब तक मैंने हमारा जो चैट सेक्शन है वो एनेबल किया है ताकि आप अपने क्वेश्चंस वहां पे लिख सको और मैं रीचा से आपके जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकती हूँ. ओके रोज रीचा, आपने वैसे ये अभी जो रोज किया नेट वाला, तो आपने उसका नॉट नॉर्मल ही टाई किया था क्या? नॉर्मल भी टाई कर सकते हो या जो रिबन वाला मैंने नॉट बताया वो भी कर सकते हो. बोथ ऑफ देम आर परफेक्टली फाइन, जो आपको कंफर्टेबल हो. ओके, सो जो रिबन वाला नॉट रीचा जी ने हमें पहले दिखाया था उन्होंने वही नॉट यूज किया है रोज के एंड में. एंड मीनवाइल आई कैन सी काफी प्रिटी प्रिटी जो हमारी लेडीज है वो बना रही है. आई कैन सी ज्योति जी शोइंग मी अ फ्लावर. वाओ, मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है. मैं जरूर रीचा को भी आपका फ्लावर दिखाऊंगी ज्योति जी, बट मोर देन दैट आपकी स्माइल ज्यादा प्यारी है ज्योति जी. कीप इट अप. नाइस. ओके सो वी आर मूविंग अहेड विद द रिंग दैट वी हैव टू मेक ऑन टॉप ऑफ इट. तो उसके लिए हमने अपना गोटा ले लिया है, मैचिंग थ्रेड ले लिया है, एंड इस पे आप बस एक रनिंग स्टिच कर दो, है ना. जस्ट पुट अ नॉट एक एंड में और इस पे एक रनिंग स्टिच कर दो आप, जैसे हम गैदर्स के लिए करते हैं बस वैसे. ऑलराइट ऑलराइट राइट. सो इस तरह से आप करते जाओ तो इसकी गैदरिंग होती जाएगी. एंड देन यू कैन यूज दिस स्टिच ऑल्सो ऑफ गैदरिंग. इसको गैदरिंग स्टिच बोलते हैं रिबन वर्क में. तो आप ये वाली स्टिच करके भी यू कैन मेक समथिंग प्रिटी. श्योर श्योर. रिचा, क्या आप इसके बाद रोज थोड़ा सा वापस करके दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर दैट. श्योर श्योर श्योर. ओके ओके. सो गाइज, यस आई कैन सी रोज के लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं. डोंट वरी, रीचा जो है वो हमें रोज वापस से करके दिखाने वाली है. सो प्लीज डोंट वरी. मंजुला जी सेइंग आई लाइक रिबन वर्क एट फोन कवर. दैट्स ग्रेट. और वो काफी प्यारा भी दिखेगा एक्चुअली. डेफिनेटली गो अहेड विद दैट मंजुला जी. ये देखिए, जैसे इसमें आपने देखा है zigzag हो गया है because of the running stitch. तो मैं अगर इसको थ्रेड को पुल करूंगी तो इट विल बिकम लाइक अ गैदर्स. यस. सो इसको आप और करते जाओ एंड देन यू कैन पुट इट ऑन द एज ऑफ योर फ्लावर. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट. सो इफ दिस वन इज क्लियर देन आई कैन मूव ऑन टू द रोज अगेन. यस यस. मैं एक बार वापस सबसे पूछ लेती हूँ. फाइन गाइज, मैं चैट एनेबल कर दिया है. अगर गोटा पेपर का आपको क्लियर हो गया हो, मैम ने अच्छे से जो किया है, तो प्लीज यस करके हमें बताइए ताकि शी कैन शो द रोज अगेन. यस, मास्क वाला क्वेश्चन मैम आप वापस से जब ये हमारे यस वाला जो है सबका कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद हमें अब बता सकते हैं आपका मास्क वाला क्वेश्चन. वो काफी ऊपर गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल डेफिनेटली आस्क हर अबाउट इट. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, मैं आप अपने स्टिचेस थोड़े छोटे छोटे दीजिए. फाइन. यस यस टीचर. डोंट टेक टू बिग स्टिचेस अदरवाइज उतना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत उठा हुआ बनेगा. नहीं तो आप छोटे छोटे स्टिचेस लेके और रनिंग स्टिच कर दो इस पे. ओके ओके.
All right. By the way, Richa, how will gota get stick to the cloth? Yeah, that I'm showing. Okay, okay. So, ye dikha rahi hai. So you can see it when she's teaching. तो सपोज जैसे ये हमारा इतना बन गया है फाइन, तो इसको yes. हम जहां से हमने स्टार्ट किया इसको वहीं पे हम एंड कर देंगे फाइन, तो इट विल बिकम अ राउंड। ये भी जैसे बहुत छोटा है, इतने बड़े फ्लावर को कवर करने के लिए हमको बहुत सारा करना पड़ेगा फाइन। यस रिचा, वैसे रिचा आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन कि मास्क के लिए मैम छोटा फ्रेम नहीं मिलेगा, लाइक स्मॉल फ्रेम नहीं मिलेगा, तो कैसे करें विदाउट फ्रेम? बहुत छोटे साइज का भी फ्रेम मिल जाता है, इतना भी मिल जाता है। ओके ओके, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि बिना फ्रेम के अगर आप करो ना, वैसे तो मास्क में इतना छोटा होता है कि आप बिना फ्रेम के भी कर सकते हो फाइन। श्योर, अगर छोटा सा मोटिव बनाना है तो आप बिना फ्रेम के कर लो, पर जहां भी थोड़ा सा भी बड़ा है तो प्लीज यूज द फ्रेम, नहीं तो जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसमें नीटनेस नहीं आती, बहुत लूज लूज बनती है। ओके ओके, कितना भी आप ट्राई करो वो थोड़ा लूज ही रहेगी। यस रीच, एंड आल्सो योर फ्रेम इज बिट यू नो वापस से पीछे चला गया है, तो आप अपना फ्रेम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम क्लियरली देख सके। या दिस इज गुड। आल्सो रीचा, राधा जी पूछ रही है यहाँ पे, मैम हाउ टू अटैच द फ्रिल? हाउ टू अटैच द फ्रिल? या दिस इज ओनली द फ्रिल ओनली दैट वी आर मेकिंग, आई विल शो यू हाउ टू अटैच। Yes, yes. So guys, right now Richa is making frill and she's showing you how to attach it with your fabric so that आपको अगर frill के frogs बनाने हो या किसी और चीज को भी frill लगानी हो तो आप ये method use कर सकते हैं। Okay. So I have made this much. ये मेरा इतना frill। We can see that actually, Richa, आपका frame, yeah. Yes, yes. This is okay. Right. Yeah. So ये मेरा इतना frill बन गया है. So I'm just ending it. आप इसको ऐसे करके, fine. Okay. And just attach it with the other side so that it becomes a round circle. Okay. Okay. Fine. हम इसको thread से ही stitch करके एक round circle में attach कर देंगे. All right. And just pull it nicely so that the entire circle becomes one, and we'll trim the other ends of the gota, you can say, or of the ribbon. Sure, sure. So, ye hamara circle proper ban gaya hai. Isko thoda sa aur phaila lete hain, then we can put it here. Or you can even make a flower out of this. So, ribbon work ke flowers bhi is tarah se gathering karke ban jate. Fine? Yes, Richa. So, if I want to attach this, I'll show you how to do it. अब ये जो थ्रेड मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं उसी से इसको अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ। okay. इसको हमने यहाँ से अटैच किया, ऐसे ही इसको दो तीन जगह से आप अपने फैब्रिक में अटैच कर दीजिए। ओके ओके, अटैच इट ऑन। रिचा रिचा रिचा, इट्स गोइंग आउट ऑफ फ्रेम एक्चुअली अगेन, सो प्लीज प्लीज कैन यू ब्रिंग इट बैक? इज दिस बेटर? यस यस यस। तो इसको आप इस तरह से चारों साइड से जस्ट अटैच इट विद द नीडल एंड द थ्रेड सो दैट इट डजंट मूव एंड उसका शेप भी बना रहे। राइट राइट, ये आप करके और फिर बीच में एक सेंटर में मोती भी लगा सकते हो, दैट आल्सो लुक्स वेरी प्रिटी। वाओ, इवन दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली, वो काफी प्यारा लगेगा अगर बीच में हम लोग यू नो मोती अटैच करें। राइट, यस यस Richa, हमें यू नो साइड बाय साइड आइडियाज भी देती रहती है हमेशा, मैं हमेशा आई ऑब्जर्व दैट यू नो यू कैन डू दैट, यू कैन प्लेस दिस थिंग और यू नो समथिंग लाइक दैट, सो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल कि यू नो जब लोग जब हम लोग खुद के लिए अभी ड्रेसेस वगैरह जब बनाएंगे तब ये आइडिया जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमें। राइट, तो आप इसमें बीच में मोती लगा सकते हो, यू कैन इवन पुट सम कुंदन और समथिंग, पर रिबन वर्क के साथ मोती गोज द बेस्ट। Okay. क्योंकि मोती में भी अपनी खुद की एक शाइन होती है और रिबन वर्क में भी एक शाइन होता है, तो मोती का जो इसके साथ कोऑर्डिनेशन है गोज वेरी वेल। डेफिनेटली डेफिनेटली।
इनफैक्ट रिचा वैसे देखा जाता है यू नो रिबन का टेक्सचर भी ऐसा सिल्की सिल्की होता है, राइट वॉल का भी राइट टेक्सचर वैसे ही होता है, तो इट रियली गोज वेल हैंड इन हैंड. वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू. ग्रेट. सो वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द स्टिचेस फॉर टुडे. वाओ दैट्स नाइस. इसमें अगर आप चाहो तो यू कैन पुट अ स्टेम स्टिच ऑल्सो. जरूरी नहीं कि रिबन से ही आपको ट्विस्ट करके बनाना है, आप और भी किसी चीज से बना सकते हो. फाइन. श्योर श्योर रिचा. आई अगेन एनेबल द चैट रिचा, अगर कोई क्वेरीज है तो वो लेते हैं. और ऑल्सो रिचा इफ यू आर फ्री यू कैन कम दिस साइड ऑफ द कैमरा, ताकि जिन्होंने वर्क किया है या उनका वीडियो कर सके. सो ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, आई विल आस्क यू टू एनेबल योर कैमरा. जिन्होंने भी काम किया है तो रिचा देख सके कि आपने कैसा कैसा जो रिबन वर्क है वो किया है. प्लीज शेयर माय मैसेज. मैम आई कैन सी योर मैसेज एक्चुअली, तो प्लीज आप वापस से कीजिए. आई कैन सी द डिवाइस नेम इज जतिन पाटिल. तब तक आई विल कम. रेखा जी दिखा रही है, आई कैन सी रेखा जी. आई विल टेक अ फोन. उसके बाद मैं लूंगी ज्योति जी को, क्योंकि मैं उन्हें भी देख रही हूँ काफी देर से. तो रेखा जी बस या हेलो. हाँ जी. ये सुई कौन सा लगाना है इसको? वो जो आपके पास असॉर्टेड नीडल्स होंगी ना. हाँ ये थोड़ा जाड़ा है. मोटा है. ओके मैं आपको दिखाती हूँ. ये देख पा रहे हो आप? हाँ. ये आगे से पॉइंटेड होना चाहिए और ये जो पार्ट है ये बड़ा होना चाहिए इसका. अच्छा. अगर वो आप ऊन वाला स्टिच यूज कर रहे हो ना जो आगे से मोटा होता है, वो घुसेगा नहीं फैब्रिक में. जब तक पॉइंटेड नहीं होगा तो वो उतने अच्छे से नहीं घुसेगा और आपको बार बार खींचना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम आएगी आपको. वैसा ही होता है. हाँ तो वो मोटा वाला मत यूज करिए आप. वो अच्छा टोक जिसमें आता है ना वो वाला यूज कीजिएगा. जी जी. जैसे ये मोटा वाला है, ये दिख रहा है आपको, ये नहीं यूज करना है. अच्छा. नहीं तो ये घुसेगा नहीं फैब्रिक में. ठीक है. थैंक यू रेखा जी. जो आई कैन सी ज्योति जी है यहाँ पे हमारे साथ में. तो ज्योति जी आई विल टेक यू इन द स्पॉटलाइट. बस आप अनम्यूट कीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट सेंड किया है, सो प्लीज अनम्यूट. बहुत सुंदर बना है ना? अच्छा काफी प्यारा है. बहुत सुंदर. वेरी नाइस. फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है. ज्योति जी आपका स्माइल भी काफी प्यारा है, तो प्लीज कीप इट अप. मैंने पहले भी कहा था. थैंक यू सो मच. यस यस. सो नाउ विल टर्न टू निकिला जी. भी थी काफी देर से आई कुड हैव. हाँ दिखे मुझे दिखे. सो यस यस निकिला, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना काम दिखाइएगा हमें. बहुत सुंदर बना है. वेरी नाइस. Very pretty. Wow, this is actually very pretty. Na, काफी creative participants हैं हमारे साथ रीचा. Right. आप please इसका एक screenshot मतलब pic भी भेजिए उसमें group में, तो मैं और अच्छे से देख लूँगी. बिल्कुल. Thank you Nikhila for being with us. मैं रीना जी को भी देख सकती हूँ यहाँ पे. जी. Yes रीना जी, please show it. Wow, इन्होंने तो सारे stitches कर लिए. बहुत सुंदर बन रहा है. बिल्कुल परफेक्ट. कैसा लग रहा है आपको बना के? और रीना जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया अनम्यूट करने का. बस एक बार अनम्यूट कीजिएगा. यस. कैसा लग रहा है आपको बना के ये स्टिचेस? बहुत अच्छा, क्योंकि ना पहले. हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि पहले तो वो गिफ्ट रैप ही करते थे पहले, वो अच्छे से हो सकता है पता नहीं था. और इजीली हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही. बहुत नहीं बहुत. और बहुत प्रिटी लगता है. बहुत ही प्रिटी. आप हैंडकरचीफ्स पे कर सकते हो. इवन जैसे हम किसी को कुछ खाना या कुछ दे रहे हैं थाली में डाल के, उसको कवर करने के लिए जो कपड़ा बनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कर दो, या करवा चौथ के टाइम जल्दी भी उठ जाता है ना.
जी जी बहुत जल्दी बनता है। इवन आप अपनी साड़ी में भी इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बना लो और थोड़ा सा बॉर्डर में कुछ कर दो, बहुत प्रिटी लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू रीना जी, थैंक यू। तो मुझे अभी तो इतना ही देख रहे थे, बाकी आई गेस वी हैव रिव्यूड एवरीवन। या ऑलराइट ऑलराइट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ टू डू द नील से कैसे हम छाप सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट क्विकली आई विल जस्ट गिव देम अ आईडिया। So now she'll show how to do the, you know, tracing with the needle. काफी लोगों की इसके लिए request थी काफी देर से, तो रिचा जो है वो फटाक से हमें वो भी दिखा देंगी कैसे करना है हमें। ओके, तो मैं वैसे काफी questions देख सकती हूँ यहाँ पे। That's great. तो मैं आपके सारे क्वेश्चन जरूर लूंगी रिचा, एक बार जो हमें नील से जो पेंट करके मतलब प्रेस करके दिखा दे। Alright. वैसे रिचा आ रही है, तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल और परसों बताया था कि हमारे नेल आर्ट की क्लास भी शुरू हो रहा है, बट अभी नेल आर्ट के साथ साथ हमारे मेकअप के भी क्लासेस शुरू हो रहे हैं जल्द ही, दैट इज मेकअप वॉल्यूम 5, और वो शुरू हो रहा है 11 मई से 15 मई तक, फ्रॉम इवनिंग 5:15 टू 6:15। तो प्लीज डू रजिस्टर योरसेल्फ। अब जैसे जानते हैं अभी शादियों का सीजन है, भले शादियों में जा ना सके, बट जैसे अभी ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, वैसे ही ऑनलाइन शादियां भी होती है, तो उसको के लिए कैसे रेडी होना है, कौन से डे के लिए, मतलब एंगेजमेंट के लिए कौन सा मेकअप, हल्दी के लिए कौन सा मेकअप, वो सारे मेकअप हमें हमारी इंस्ट्रक्टर है निकदा वो सिखाएंगी। तो प्लीज डू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दैट। रिचा, डू यू लाइक मेकअप, लाइक यू नो फॉर आई डू लाइक, बट आई डोंट डू इट इन द सेंस, बस एक काजल एंड लाइनर, ओहो, अ लिपस्टिक, दैट्स मेरा मेकअप होता ही होता है। और आपको पता है रिचा, यही खासियत होने वाली है हमारे मेकअप क्लासेस की, कि जो बेसिक मेकअप है उसी से आप इतना खूबसूरत बन सकते हैं कि आपको ना ज्यादा वाला मेकअप की जरूरत नहीं लगेगी। और आप कोई भी एज के हो, आपको वो मेकअप जरूर सूट करेगा। तो डेफिनेटली गाइस डू रजिस्टर फॉर दैट। यस रिचा, वी कैन कंटिन्यू। या जैसे आपने जो भी डिजाइन है उसको आप बटर पेपर पे बना लो, जैसे ये हमने उस दिन बनाया था, तो आई एम यूजिंग द सेम वन, और इसमें आपको नीडल से होल्स बनाने हैं। इसमें आपको नीडल से इस तरह से आप होल्स बनाते जाइए। ये होल्स बनाना और प्रॉपर जगह पे बनाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा जो नील है वो इसी होल्स के थ्रू अंदर सीप इन करेगा, फाइन, और उसी से हमारा डिजाइन ट्रेस होगा। तो ये होल्स प्रॉपर बनना और प्रोपोर्शनेट में बनना, लाइक जहां हमारी लाइंस है वहीं पे। तो पेशेंटली आप बैठ के और इसको आराम से पूरा प्रिक कर लीजिए, आपका जो बटर पेपर है, जस्ट पुट होल्स ऑन इट विद द नीडल। जो भी आपके पास स्टिचिंग की नीडल है या एम्ब्रॉयडरी की नीडल है, वो नीडल से आप इसमें प्रिक कर लीजिए और इसके होल्स इस तरह से बनाते जाइए। ओके, सो जस्ट मेक लिटिल एंड शो यू। श्योर, आई थिंक लंच का टाइम हो रहा है, तो एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि कैसे क्लास जल्दी खत्म हो और हम लोग भागे। नहीं रिचा, आपकी क्लास में हमें कभी बोर नहीं होता है, वैसे सच कहे तो इतनी अच्छी क्लास होती है आपकी। थैंक यू सो मच। एंड आल्सो रिचा व्यूअर, आई वाज सीइंग सम रिक्वेस्ट, काफी लोग पूछ रहे थे कि रिचा मैम आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो गाइस मैंने जैसे सब कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ रिचा मैम की जैसे ही तुरंत नेक्स्ट क्लास आती है हम लोग आपको जरूर नोटिफाई करेंगे। सो यू कैन सी रिचा काफी पेशेंटली अभी नो अच्छे से सारे इसमें होल्ड कर रही है। तो आपको पूरे डिजाइन में होल्स करना है, ठीक है? जैसे मैं अभी बस थोड़े से में करके बता रही हूँ, जस्ट एज अ सैंपल, तो आप इस तरह से कर सकते हो। Also, I can see कुछ stitches से related सवाल है, like you know, knee stitch या stem stitch. So guys, I understand कि एक बार में आपको जल्दी से समझ किसी को नहीं थे, मुझे भी नहीं आता वैसे तो. तो it's okay, आप recordings को वापस देख सकते हैं. Yes, Richa. Wow. आपको holes दिख रहे हैं? Yes, yes, yes. Proper holes. तो
तो हम इसका ये जो बटर पेपर है हमको जिसके ऊपर भी ट्रेस करना है, जैसे ये नॉर्मल कॉटन फैब्रिक है तो उसके ऊपर आप अपना बटर पेपर रखो और नीचे एक कुछ बुक रख लो ताकि कुछ हार्ड मटेरियल मिल जाए उसको, फाइन। और इसमें ये मैंने नील लिया हुआ है तो इसमें जस्ट जो नॉर्मल हम लोगों का रॉबिन ब्लू मिलता है या कुछ भी जो हम कपड़ों में नील डालने के लिए यूज करते हैं, इट्स द सेम थिंग। और इसमें आप बहुत थोड़ा सा जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एड सम केरोसिन और तारपिन का तेल, फाइन। वेजिटेबल ऑयल नहीं डालना है नहीं तो स्टेन्स पड़ जाएंगे क्योंकि ये उड़ जाता है, तो इसीलिए हम तारपिन या फिर केरोसिन यूज करेंगे, फाइन। और इसमें कोई भी एक रफ फैब्रिक ले लो और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। एंड यू नीड वेरी लिटिल, तो ये इसको लिया, इसको आप प्रॉपरली होल्ड करो और इससे रब करो। ओ ओके, सो योर डिजाइन विल कम ऑन दिस साइड। वाओ, फाइन। यस यस, सो यू हैव टू हैव पेशेंस इन डूइंग योर होल्स प्रॉपरली और उसके बाद आप इसको स्क्वीज करके बहुत थोड़ा सा एंड जस्ट कीप इट अच्छे से टाइट होल्ड करके। और द बेस्ट पार्ट इज आप एक कोई हेल्पर ले लो जो इसको प्रॉपरली होल्ड करे एंड देन यू रब इट, क्योंकि थोड़ा भी हिला तो आपका डिजाइन के नीचे हिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन अंडरस्टैंड, फाइन। सेम टेक्निक, सपोज इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक फॉर डार्क लाइक लाइट कलर फैब्रिक्स, क्योंकि ब्लू सब में दिख जाएगा, वैसे ही आप जैसे चॉक पाउडर होता है द व्हाइट वन, अगर आपको ब्लैक से प्रिंट करना है तो ब्लैक या कोई भी डार्क कलर में ब्लू नहीं दिखेगा तो आप उसके लिए व्हाइट यूज कर सकते हो। तो व्हाइट कैसे यूज करोगे, जो चॉक पाउडर होता है उसको क्रश करके ले लो और उसमें भी जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन एंड इन द सेम वे। ऑल राइट फाइन, तो व्हाइट और ब्लू दोनों बन जाता है। ओके रिचा, थैंक यू सो मच रिचा फॉर शोइंग दिस। So are we done for today's session, Richa? Yes, yes, yes. Okay, guys. So कहते हुए तो थोड़ा बुरा लग रहा है कि you know last day था session का और यहीं पे खत्म हो रहा है, but again मैं कहना चाहूंगी कि हम है राही अली पोके, हम है राही अली पोके जरूर मिलेंगे अगले कोर्स में, तो टेंशन मत लीजिए, आप रीचा से भी मिलेंगे, मुझसे भी मिलेंगे, काफी कोर्सेस है अली पोके, रीचा भी अपकमिंग कोर्सेस जरूर लेके आएंगे, तो प्लीज डू नॉट वरी, हम लोग अगले कोर्सेस में तो जरूर मिलेंगे, ऐसे ही आपको मैं जाने नहीं दूंगी कहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग कुछ और अच्छी चीजें जरूर सीखें, हमारे इतने प्यारे प्यारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, फिर उनसे एम्ब्रॉयडरी सीखे, स्टिचिंग सीखे, मेकअप सीखे, फिटनेस सीखे या कोई और भी, लाइक यू नो खाने का भी हम लोग काफी रखते हैं, यू नो सो ऑल फूड लवर्स एंड ऑल यू नो फिटनेस लवर्स, आपके लिए काफी क्लासेस है, रीचा भी जरूर अपकमिंग क्लासेस में आपको कुछ और नया जरूर सिखाएंगे, तो प्लीज रहिए कनेक्टेड। तो और रही बात, अभी मुझे पता है आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन जरूर होंगे कि अभी तो आज हम ट्राई करेंगे तो आज एएम में रीचा हमें आंसर दे देंगी, अगर एक दो दिन में और किया ट्राई और फिर रीचा नहीं रही तो गाइस डोंट वरी, रीचा जो है आपके जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में और दो दिन तक लेंगी, एमए सेशंस के दौरान क्वेरी फॉर्म्स में भी लेंगी, उसके बाद जो है दो दिन तक ही आप रीचा से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू रीचा फॉर नेक्स्ट टू डेज ओनली, प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट रीचा पर्सनली, प्लीज रीचा को पर्सनली कॉन्टैक्ट मत कीजिए या फिर किसी और सदस्य को भी ग्रुप के, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ अलीपो, पर ग्रुप ओपन होने के बाद आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। वैसे मैंने रीचा आई टू बी ऑनेस्ट आई हैव सीन कि हमारे इन सेशन में मैंने देखा है कि जो हमारी जो अमेजिंग और ब्यूटीफुल लेडीज है ना वो हमेशा एक दूसरे की ना हेल्प हमेशा करते रहती है, तो आई नो आई ट्रस्ट यू गाइस, आई नो कि आप जरूर एक दूसरे की हेल्प जरूर करेंगी, कहीं यू नो स्टेज गलत आ गया तो आप बता सकते कि अरे नहीं आपने यहाँ पे ये किया, तो आप ऐसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो बाद में ग्रुप में। बस एक चीज का एक और ध्यान रखिएगा, प्लीज कोई भी यू नो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड ग्रुप पे मत भेजिए, कोई एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए ग्रुप पे, इट इज नॉट अलाउड, प्लीज डू नॉट यू नो स्पैम द ग्रुप विद यू नो एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल, बट आप अपने काम से स्पैम जरूर कर सकते हैं, यू नो आप दिखा सकते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने चिकनकारी की, आज मैंने मतलब कुछ और एम्ब्रॉयडरी की, तो ये देखने में बड़ा मजा आएगा एक दूसरे को और मुझे भी, तो प्लीज यू कैन डू दैट, गो अहेड विद इट। और रिकॉर्डिंग लिंक जो है आज का वो 30 मिनट के बाद ग्रुप में आ जाएगा, आज के एएमए टाइमिंग भी आपको अलीपो की तरफ से बता दिए जाएंगे, एंड यस तो मैं
जैसे कहती हूँ कि हमारे साथ काफी खूबसूरत लेडीज है, तो लेडीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपना कैमरा जो है सब ऑन कीजिएगा ताकि मैं ना ऐसे फ्लॉन्ट कर सकूं, कि हमारा ये ग्रुप था और मुझे आप सबके साथ एक फोटो चाहिए। क्या हुआ अगर हम लोग मिल ना पाए तो यहाँ से भी हम लोग एक साथ फोटो खींच सकते हैं। तो गर्ल्स लेडीज एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा ताकि मैं हम सब लोगों का एक फोटो खींच सकूं। आप अच्छे से रेडी होके बैठ जाइए। वैसे तो सब काफी ब्यूटीफुल है, रिचा मैं जैसे कहती ही हूँ। तो यस प्लीज आई कैन सी देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो यस मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब जितने भी है ना सब अपना कैमरा प्लीज ऑन कीजिए। वाओ देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस यार, आप पहले दिन से क्यों नहीं यू नो आपने अपना कैमरा ऑन रखा। कितने सारे खूबसूरत लोग हैं हमारे साथ। अंजू जी की स्माइल भी देखो कितनी प्यारी है। ज्योति जी आपके लिए कॉम्पिटिशन है, अंजू जी आपकी स्माइल तो मुझे अच्छी लगती ही है पर सबकी स्माइल इतनी अच्छी है। प्लीज स्माइल एट द कैमरा, मीनवाइल आई विल टेक द पिक्चर्स, मैं आपके पिक्चर्स ले लूंगी। तो आई से 1, 2 and 3 आप बस स्माइल करके रखिएगा एंड आई विल क्लिक द पिक्चर। ऐसे 3-4 स्क्रीन है तो थोड़ा सा पेशेंसली हम लोग को बस हमारा स्माइल रखना पड़ेगा। So I'll say 1, 2 and yes, Nikhila, settle down, settle down. I'll wait for you. 1, 2 and 3 I can see Harsha ji apni dadi ke saath baithi hai. Wow. Yes. So I'm jumping to the next screen. वहाँ पे भी प्रियंका जी दिख रही है, उन्होंने दीपाली जी है, उन्होंने अपना कैमरा ऑन करके रखा है, सबकी ब्यूटीफुल स्माइल्स है। मंजुला जी बस कैमरा से हाथ हटाइए, मैं फटाक से आपका एक फोटो ले लेती हूँ सबके साथ। एंड यस हियर वी गो 1, 2 and 3 परफेक्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी आप सब लोग को आज यहाँ पे यू नो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज टर्न्ड ऑन देयर कैमरा। आई एम सो हैप्पी। सो गाइज मैं जाने से पहले आपको एक और बात जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज हमें बता दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको पूरा 5 days का सेशन कैसा लगा। आपको मुझसे कुछ कहना है, रीचा जी से कुछ कहना है, टीम अलीपो से कुछ कहना है, तो प्लीज जरूर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वी नीड योर फीडबैक, हम आपके फीडबैक का इंतजार करते हैं। तो प्लीज डू गिव अस द फीडबैक, और आपको अगले कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने वगैरह वो भी हमें बताइएगा ताकि हम उस हिसाब से भी आपके लिए कोर्सेज अरेंज कर पाए। एंड रीचा वंस अगेन अ बिग थैंक यू फ्रॉम मी एंड ऑल ऑफ अस एंड फ्रॉम टीम हरिपो कि आपने इतने अच्छे से हमें सिखाया इन 5 दिनों में। यू एजुकेटेड अस वेरी नाइसली एंड मैं आप सब लोगों का भी दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी आप सब लोगों को की फॉर बींग सच अ पेशेंट एंड लवली ऑडियंस एंड ऑल्सो वर्किंग विद अस। यू नो आप हमेशा वो जो काम करके दिखाते थे, आई रियली मिस यू, बट प्लीज मुझे मिस करने का मौका मत दीजिएगा। प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लासेस में जरूर मिलेगा, डू रजिस्टर फॉर नेक्स्ट क्लासेस एंड आई डेफिनेटली मीट यू देयर। सो तब तक गुड बाय एंड आई होप यू ऑल टेक केयर। रीचा टेक केयर, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। यस यस बाय।